भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर वासित साहब मेरे साथ बात करने के लिए हैं। वासित भाई, मुख्यमंत्री जी आज यहाँ थे, 65% सीट पर मुसलमान हैं, क्या कुछ है जीतने का मंत्र? सबका साथ सबका विकास। और आज योगी जी ने कहा है कि मोदी जी लगातार 2014 सबका साथ सबका विकास के साथ योजनाओं को सबको लाभ पहुंचा रहे हैं। एक हाथ से ताली नहीं बजती है। मैं आपसे आह्वान करने के लिए आया हूं कि एक बार रामवीर जी को मौका दीजिए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुले शब्दों में लोगों से समर्थन मांगा है और मुसलमानों से कहा है कि मैं आपके साथ हूँ और लगातार भारतीय जनता पार्टी को आप जिताने का काम कीजिए, भारतीय जनता पार्टी आपके काम करेगी। अल्पसंख्यक मोर्चा क्या कुछ कर रहा है सीट को जीतने के लिए? लगभग सभी मुस्लिम बहुल बूथों पर अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ता लगे हैं, बूथ अध्यक्ष लगे हैं, सेक्टर के संयोजक लगे हैं और लगातार अपना काम कर रहे हैं। इस बार बड़ी तादाद में अल्पसंख्यकों का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। बात करें 9 सीटों पर, तो 9 सीटों में कितनी सीटें जो है तुम्हारा जीत रहे हैं? हम 9 की 9 सीटें हम जीत रहे हैं और बड़ी तादाद में हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी को अल्पसंख्यक समुदाय का वोट मिल रहा है। AMU पूरा प्रकरण है, क्या कुछ कहें? आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने आज AMU का जो दर्जा है कुछ शर्तों के साथ बहाल रखा है और एक 3 जजों की शायद बेंच बनाई है और लगातार सरकार फैसले कर रही है, कोर्ट फैसले कर रहा है, सभी फैसलों का स्वागत है। मुख्यमंत्री जी ने कई महत्वपूर्ण बयान दिए हैं इसी जगह से, तो बात करें लगातार आप मुसलमानों के बीच में हैं कि लगातार मुसलमानों को जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं, क्या कुछ मुसलमानों के लिए क्या कुछ संदेश रहा है जो मुख्यमंत्री जी ने आपको दिया होगा? आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी खुले शब्दों में कहा है कि हम सबके लिए काम करते हैं और तुष्टिकरण नहीं करते हैं, कहीं दंगा नहीं होने देते हैं, एक तरफा कार्रवाई नहीं करते हैं। सबका साथ सबका विकास केवल ये नहीं है कि हम ही एक तरफ से दोनों हाथों से ताली बजेगी तो हिंदुस्तान का विकास होगा, देश का विकास होगा, गंगा जमुना तहजीब जो है मजबूत होगी। इंडिया गठबंधन है कि कहाँ खड़ा है आज की तारीख में, उसको लेकर भी बयान दिया मुख्यमंत्री? देखिए, दोनों चोर चोर मौसेरे भाई हैं और अपने मतलब के लिए दोनों राजनीति करते हैं और मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। वो उनको सीट नहीं दे रहे हैं, वो उनको सीट नहीं दे रहे हैं। दोनों का माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज कांग्रेस का और सपा का तलाक होने जा रहा है, ऐसी खबरें हैं, तो लगता है कि तलाक होने जा रहा है। ठीक है, यूपी में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता वासित अली साहब से बात की गई, जिनके द्वारा कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी दी गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9, मुरादाबाद।